Good afternoon, everyone. So all set for the dance class? Maza aa raha hai karne mein class ko? So let's try to complete today, right? जल्दी जल्दी सीखिए जिससे जल्दी जल्दी सर भी आपको सिखा पाए और जल्दी जल्दी आप जो हैं आप सॉन्ग को पूरा कर ले, राइट? किसी को कुछ बात कहनी है, कुछ कहना है तो दे कैन राइट डाउन. स्टूल वगैरह लेके बैठे हैं ना साथ में फॉरेन क्लास? सागर मयंक का क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है? पूजा मोमू आपके साथ भी कोई और कर रहा था, वो अब नहीं है, क्या हुआ? आप लिख के बताना पड़ेगा बेटा. अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप सर. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. वी वांट टू वेलकम यू ऑन थर्ड डे ऑफ द क्लास. थैंक यू. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट आवर क्लास. ओके, राइट? Harshit, Manupriya, you can show it afterwards. I'll let you know when you have to show the painting. Right now we have dance class. So set your cameras, everyone. छोटा सी जगह जहां पर भी जितनी भी जगह मिलती है उतने में डांस करेंगे, राइट? जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी विशाल का जगह हो हमारे पास. संजय के साथ फिरोज है. ओके, डन. हेलो बच्चों, हाय, कैसे हो आप सब? कैसे हो? थम्स अप फॉर यू आर गुड और थम्स डाउन दैट यू आर नॉट गुड. गुड, वेरी गुड. मोर ऑफ द थम्स अप्स आर कमिंग. जय विनीता. मैंने जयदेव नहीं देखा किसी भी क्लास में. सब लोग प्लीज, आज नए भी लोग हैं क्या? काफी लोग नए भी जुड़े हुए हैं क्या आज? नहीं, मुझे अभी तक तो कोई नया नहीं लगा, एक दो शायद है. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक किया था, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी सबने, है ना? अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आज फिर से हम उसको रिकॉल भी करेंगे एंड आगे भी बढ़ेंगे. ठीक है, तो सब लोग प्लीज अपना कैमरा के छोड़ दो और अपनी पोजीशन ले लो. कैमरा को सेट करो, जल्दी से जल्दी सेट करो. इन टू मिनट्स सारंग को देखना एक बार स्पेशली. सारंग कौन? सारंग एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक बार उस पर ध्यान रखना. बहुत अच्छा करता है, उसके पापा लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे. मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल. एंड एक बार म्यूजिक भी चेक कर लेते हैं. मैंने देखा वीडियो पे कि म्यूजिक बार बार ब्रेक हो रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार चेक कर ले. Nice to see you, Khushi. छुटकू कहाँ है? खुशबू कहाँ है? बहन कहाँ है खुशी? हाँ, तुझको ही बोल रहे हो. अनम्यूट नहीं कर सकते. बहन कहाँ है? वो क्यों नहीं कर रही है?
अनम्यूट तुम्हें लिख के बताना पड़ेगा। चलो वो है कहाँ, अगर वो आ सकती है सामने तो ले आओ। एक बार दी म्यूजिक, एक बार मैम म्यूजिक देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। ब्रेक तो नहीं हो रहा ना? नहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा। ओके ठीक है कूल। ओके सब लोग फ्रेम में आ जाओ, अपने पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लो सब लोग। गो बैक बच्चों, गो बैक, कैमरे से दूर जाओ। हाँ, अपने पोजीशन लो आप, दूर चले जाओ। स्टैंड अप, नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। ओके तो हम पहले, जैसे कि हम हर क्लास से पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करते हैं, है ना? तो आज हम हर क्लास को पहले वार्म अप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सब लोग पोजीशन ले लो, दूर हो जाओ कैमरा से। वेरी गुड फरीदा, गो बैक। तो आज सबसे अश्मिता, गो बैक एंड टेक योर पोजीशन। जल्दी जल्दी हरी अप, जल्दी पोजीशन ले लो सब लोग। तो फर्स्ट आज हम रनिंग से स्टार्ट करेंगे, फास्ट रनिंग से। हमारा फर्स्ट वर्कआउट फास्ट रनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्पॉट पे ही फास्ट रन करना है। एक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? हाँ अपने स्पॉट पे ही। एंड आपको साइड चेंज करनी है, पहले जैसे राइट लेफ्ट, फिर बैक, फिर साइड में, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है? तो विद म्यूजिक एक बार आप लोग अपने फ्रेम में आ जाओ, मैं म्यूजिक लगा रहा हूँ एंड मैं काउंट दूंगा आप लोगों को। रनिंग से स्टार्ट करेंगे, पहले फ्रंट में करो। चलो विदाउट म्यूजिक करते हैं पहले। 5 6 रुको 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉप। साइड चेंज करो एंड 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके साइड चेंज। 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा सा फास्ट करना है। साइड चेंज। 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रंट में आ जाओ सब लोग। हाँ गुड। 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। सो अभी मैंने आपको ये समझाने के लिए धीरे धीरे कराया, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि उन्हें 8 काउंट के बाद अपना मतलब साइड चेंज करना है। तो अभी हम विद म्यूजिक करेंगे इसको, ठीक है? पोजीशन 5 6 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 साइड चेंज। 1 2 4 5 6 7 साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अब हम सेम थिंग अदर साइड करेंगे। जैसे हमने पहले लेफ्ट में स्टार्ट किया, हम राइट में करेंगे। जैसे पहले हमने लेफ्ट में स्टार्ट किया था, इस बार हम राइट पहले फ्रंट से स्टार्ट करके फिर लेफ्ट राइट में जाएंगे पहले। ओके विद म्यूजिक पोजिशन 5 6 5 6 7 स्टार्ट रन। 1 2 3 4 5 6 7 राइट साइड। 1 2 5 6 7 अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 साइड चेंज। 1 3 4 5 6 7 फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। ओके ना, अभी क्या कर रहे हैं, हमें ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड वो क्या साफ कर रहे हैं एंड बॉडी को लूज छोड़ना है, लूज। ओके सो बोथ हैंड अप बोथ हैंड अप एंड बॉडी लूज एंड बस अगेन बोथ हैंड अप हैंड्स अप रीच आउट एंड बॉडी लूज। वेरी गुड, बोथ हैंड्स अप last time and up reach out haathon ko upar khicho very good and loose
एंड सोलिरोला, वेरी गुड। अब करेंगे हम हॉप्स, हॉप्स करेंगे, हॉप्स रेडी, हॉप्स करेंगे सब, हॉप्स करके दिखाओ क्या होता है हॉप्स, हॉप्स में कैसे जब करते हैं हम, हाँ गुड, छोटे छोटे जब हॉप्स, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे, गुड हॉप्स, वेरी गुड। सो विद म्यूजिक पहले हम फ्रंट से सेम थिंग वैसे करेंगे, चारों तरफ करेंगे, ओके, फाइव सिक्स, फाइव सिक्स सेवन जंप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन साइड, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एटीन, वन टू फाइव सिक्स सेवन सिक्सटीन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्सटीन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो अभी आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, अभी आप फिर राइट में स्टार्ट करेंगे, वंस अगेन पोजीशन पोजीशन, फाइव गो, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन टू थ्री हॉप, फाइव सिक्स सेवन चेंज साइड, चेंज ओके, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, दिखा दूं देखो, जैसे हमने पहले हॉप्स अभी आपने किया, पहले आपने किया फ्रंट पे, तो आप लेफ्ट पे जाना है, इस बार लेफ्ट पे नहीं जाना, आपको पहले फ्रंट पे जाना है और फिर आपको राइट पे जाना है, राइट, फिर बैक, फिर लेफ्ट एंड देन फ्रंट, ओके, चलो फाइव फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री जंप, six seven five five six seven back, left side, left left me, sorry, relax relax relax, जैसे हमने अभी hands up किया था ना, हमने किया था breathe in, hands up and body loose, तो फिर से हम three times करेंगे उसको, okay? डाउन बॉडी, डाउन बॉडी, डाउन डाउन कर लो बॉडी, सब लोग करो गुड, एंड सब लोग ब्रीथ इन करो, सांस लो एंड सांस लो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, गुड गुड, एंड बॉडी लूज छोड़ दो, बॉडी लूज छोड़ दो, वेरी गुड, एंड वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ हैज अप 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 अप, हैज अप 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 अप, एंड लूज लूज छोड़, very good, and once again last time, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, hands up, 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 and body down, body down, and slowly slowly up, slowly slowly up, very good, slowly slowly up, 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 good, so abhi hum pura apna head se lekar down the body ka work kar rahe hain, ha, ठीक है, सबसे पहले हेड से करेंगे स्टार्ट, करो हेड को देखो, सबसे पहले हम करेंगे हेड अप, सब लोग फिट टुगेदर करो, फिट टुगेदर के खड़े हो, वैसे ऐसे ऐसे करो, फिट टुगेदर, वेरी गुड, सो सबसे फर्स्ट हेड अप, हेड करो, हेड डाउन, टू टू हेड डाउन, थ्री पे हेड अप, up 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 and head down, four down and five head up, six head down, head down, six seven head up, eight head down, okay, abhi saath le do, sab log saath le do, very good, abhi kya karenge, first apne left mein dekho, straight up, koi bhi move nahi ho, straight se khade ho jao, पहले अपने लेफ्ट में देखो, लेफ्ट एंड राइट, अभी राइट में देखो, ओनली हेड से, गुड, एंड लेफ्ट, लुक लेफ्ट एंड राइट, अपने सीधे हाथ की तरफ देखो, गुड, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखो, इधर देखो, वेरी गुड, एंड राइट हैंड यूज करें, सिर्फ बता बताने के लिए यूज करना, राइट एंड फिर लेफ्ट, गुड, ओके, अभी रोटेशन, थ्री थ्री रोटेशन, ओके,
सो डाउन डाउन लेफ्ट रोटेशन 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 एंड डाउन 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 करते हैं, फिर बैक साइड में, फिर आप आपके राइट में एंड फिर फ्रंट में. रेडी? फाइव फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवेंटीन वन फाइव सिक्स सेवन एट 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 Stop. अभी मैं देखना चाहता हूँ, एक बार फिर से करेंगे आप लोग. मैं देखना चाहता हूँ कैसे करते हैं. पोजीशन 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 फास्ट. आप लोग बच्चों प्लीज ओपन योर वीडियो. जिज्ञासा वीवो 1718 लावण्य फाइव पोजीशन फाइव सिक्स अनुज फाइव सिक्स अधीशा शर्मा ओपन योर वीडियो थ्री फोर Six, seven, change. One, two, five, six, seven, so change. One, two, three, five, six, seven, so change. One, two, four, five, six, seven, so change. One, two, four, five.
फाइव सिक्स सेवन लास्ट टाइम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके गुड 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 वेरी गुड बहुत अच्छा किया. फिर हमने रनिंग वाला किया था एक सबको याद होगा जिसमें हम अपने हैंड्स को यूज करते हैं जैसे हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं राइट. गुड 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 तो हमें उसको भी एक एक काउंट पे करना है चारों तरफ. चलो सब लोग पोजीशन लो जल्दी. वेरी गुड पोजीशन ले लो. रेडी मेरे साथ सब लोग अपने नाक से सांस लो एंड मुंह से छोड़ो. ब्रीद इन नाक से सांस लो एंड छोड़ो. वेरी गुड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. वेरी गुड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ओके तो आगे बढ़ते. अभी आपको क्या करना है आपके पास राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है ठीक है. आपको क्या करना है सोचो कि ये ब्रश है आपका जो राइट हैंड है वो भी ब्रश है एंड लेफ्ट हैंड भी ब्रश है ठीक है. तो आपको ब्रश से ओ बनाना है. सबको ओ बनाना है ना ओ या फिर जीरो ठीक है. लुक कैसे बनाना है हमें पहले ऐसे लेग्स ओपन कर लेते हैं एंड हमें यहाँ से ओ बनाना स्टार्ट करना है. हमें करना है ओ बनाया वन ठीक है टू थ्री. दिखाओ मुझे एक बार सब लोग वन हैंड से वन राइट से टू वेरी गुड. ये हम एक काउंट करेंगे एक काउंट करेंगे ठीक है एट टाइम्स. फिर हैंड रीच करेंगे दूसरे हैंड से करेंगे ओवर आएंगे एट करेंगे एट एंड फिर हम थर्ड टाइम में बोथ हैंड से बनाएंगे दोनों हाथों से बनाएंगे वन टू वेरी गुड थ्री. तो पहले हम अपने राइट से बनाएंगे विद म्यूजिक करते हैं इसको ठीक है. एंड आप लोग मुझे फॉलो करते रहना जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो मुझे फॉलो करते रहना. position ready 5 6 legs open aapko rakho aise side mein first right hand se fir left hand se 8 times and fir both hand 5 5 6 5 6 7 stop go 1 2 3 4 5 6 7 8 good good very good very good green sab log saans lo green very good bachcha bhi sab log and breathe out breathe in and breathe out. abhi hame kya karna hai abhi hame look kya hai हमें ऐसे चौक बनाना है ठीक है. हमें फर्स्ट होना है वन पे अप टू पे डाउन थ्री पे अप फोर पे डाउन फाइव पे अप सिक्स पे डाउन सेवन पे अप एट पे डाउन ओके. फिर हम करेंगे क्या करेंगे साइड चेंज. फिर हम लेफ्ट साइड पे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट साइड चेंज वन टू थ्री 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 front 1 2 3 4 5
बनाओ, लेग्स ओपन, लेग्स ओपन एंड काउंट में पहले फ्रंट में करेंगे एक काउंट, चौक 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 पोजिशन, वन अप वन अप वन अप, टू डाउन डाउन, थ्री अप फोर डाउन, फाइव अप सिक्स डाउन, सेवन अप एट डाउन, साइड चेंज, जंप करके साइड चेंज करो लेफ्ट में, वेरी गुड, अप अप हो जाओ, डाउन टू थ्री अप फोर डाउन, फाइव अप सिक्स डाउन, सेवन अप एट डाउन, साइड चेंज एंड फाइव सिक्स सेवन गो अप, बॉडी डाउन, डाउन डाउन डाउन, थ्री अप फोर डाउन, फाइव अप एंड डाउन, सिक्स सेवन अप एंड एट डाउन, साइड चेंज, साइड चेंज, वेरी गुड, वन अप टू डाउन, डाउन अप थ्री फोर, फोर डाउन, फाइव अप सिक्स डाउन, सेवन अप एंड एट डाउन, रिलैक्स 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 रिलैक्स, सब लोग अपने कैमरा के पास में आओ, सब लोग कैमरा के पास में आओ अपने, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग अपने कैमरा के पास में आओ, ब्रीथ इन, सब लोग मेरी तरह सांस लेंगे, नाक से सांस लो, मुंह लगाओ अपना, सांस लो एंड ब्रीथ आउट, ऐसे हवा को बाहर की तरफ फेंकना है, गुड, ब्रीथ इन नाक से एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, लास्ट टाइम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ओके गुड गुड गुड, अभी क्या करना है हमको, देखो अभी आप लोग स्क्रीन पे रहो, सब लोग सिर्फ देखो, पहले आपको अपने राइट हैंड को शेक करना है, ठीक है, एट काउंट शेक करना, एट काउंट, वन टू थ्री करो, सब लोग स्क्रीन पे करो, सब लोग स्क्रीन पे करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एंड आपको अपने हैंड को लूज रखना है, एकदम लूज छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है, ठीक है, पहले आपने अपने राइट हैंड से किया, फिर लेफ्ट से करो, लेफ्ट हैंड को लूज छोड़ो, करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिर अपने लेग से करो, लेग से करो, खड़े हो जाओ स्क्रीन पे, लेग से करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लेग चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब क्या इसमें करना क्या है आपको, इसे सबको काउंट करना है, सेम चीज काउंट होती रहेगी, लेकिन हर बार एक काउंट कम हो जाएगा, जैसे हमने पहले एट टाइम्स किया, फिर हम करेंगे सेवन 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 सेवन, फिर हम करेंगे सिक्स 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 सिक्स, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री टू वन, ठीक है, एंड लास्ट में हुआ वन 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 हाफ, ओके, तो मैं दिखाता हूं अभी, लोग मेरे साथ करेंगे सब लोग, चलो फाइव सिक्स सेवन, अब कितनी बार करना है, सेकंड में कितनी बार करना है, सेवन टाइम्स, हर बार आपका एक काउंट कम होता चला जाएगा, ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, आप लोग करोगे एंड मैं काउंट करूंगा, ठीक है, फाइव राइट हैंड अप लूज एंड शेक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हैंड शेक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, लेग राइट लेग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, लेफ्ट लेग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन काउंट, वन two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Let's in. One, two, three, four, five, six, seven. Let's in. One, two, three, four, five, six, seven. Six, come on. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Let's in.
Okay. So, अभी आप लोगों का 2 मिनट का ब्रेक है, आप लोग पानी पी लो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? सब लोग जल्दी से थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो, सब लोग थोड़ा थोड़ा पी लो, ज्यादा नहीं पिएगा कोई भी। आई होप सबकी बॉडी वार्म अप हो गई होगी, है ना? गुड। सो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग दिखाएं, फर्स्ट स्टेप दिखाएं। ब्रेक ओवर पोजीशन ले लो, सब लोग पोजीशन ले लो, फर्स्ट स्टेप दिखाओ सब लोग मुझे। फर्स्ट स्टेप हमारा, हम बैक से स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप दिखाएंगे 5 6 7 को, तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें आज आगे भी सीखना है। तो हमने पहले राइट से किया, अपने राइट हैंड से 4 काउंट 1 2 3 4, फिर लेफ्ट से 1 2 3 4, फिर राइट से 1 2 3 4 एंड फिर लेफ्ट से 1 2 3 4। आफ्टर दिस हम घूमते हैं, घूम जाओ, फिर हम वॉक करते हैं 8 काउंट आगे, आगे की तरफ वॉक। कैसे करते हैं लुक, हम ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेम थिंग हम बैक साइड में, हम पीछे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आफ्टर दिस हमने किया था साइड जंप, लेफ्ट में जंप, फिर से लेफ्ट में जंप, फिर राइट में जंप एंड राइट में जंप एंड सेम थिंग हमने 2 बार की थी, यानी कि हमने इसको 8 बार किया था। तो एक बार 8 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये किया था। आपने इसके बाद हमने क्या किया था कोई बताएगा मुझे, किसी को याद है? गुड गुड गुड, जैसे पूजा क्लास 8, वेरी गुड, आपको याद है। एंड और किसको याद है? हीना हीना, वेरी गुड, आपको याद है। खुशी भी कर रही है, खुशी शर्मा प्रतिमा कर रहे हैं, वेरी गुड, जो भी है आप अच्छा कर रहे हो, आपको याद है, गुड। तो हमने फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले हम राइट साइड में करते हैं फिर लेफ्ट में एंड फिर सेम थिंग हम करते हैं लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 लेफ्ट एंड राइट, क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने क्या किया था, एक मैं एक बार म्यूजिक, आफ्टर दिस हमने क्या किया था, शो मी, हाँ गुड, जिसमें लाइन्स आती है मेरे इशारे पे दिना दिना जाजो, ट्विटर ट्विटर कैसे था, ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, हाँ कैसे था, एक बार फिर से सब लोग दिखाएंगे, ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, बट हमने क्या था, ट्विटर पे दे इन एंड दे आउट, वेरी गुड। इसके बाद, इसके बाद क्या था स्टेप आफ्टर दिस, क्रॉस लेग एंड सिटी। तो ये ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं एक बार उनको दिखाना चाहता हूँ इसको करके, जिससे उनको याद आ जाए। लुक, आपको क्या करना है, आपको करना है लेग्स ओपन रखने हैं, आपको करना है 1 फिर क्रॉस करना है, राइट लेग को आगे रखना है एंड 2
वन टू थ्री फोर, तो यस होगा क्रॉस ओपन वन टू, फिर क्रॉस ओपन वन टू, क्रॉस ओपन वन टू, क्रॉस ओपन वन टू। तो हम इसमें ये हमारा फोर फोर काउंट है और हमारा सिक्सटीन काउंट हो तो करने के लिए हम सेम चीज को आपको सिक्सटीन काउंट कर रहे हैं। One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. ठीक है? हाँ, इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने क्या किया था? हाँ, सो हमने इसके बाद किक किक किया था, जिसमें हमने स्कूटर वाला हैंडल ऐसे किया था, एंड हमने पहले फ्रंट में किक किया था, जिसमें हमने बोला था लाइन होती है नासिक के फ्रंट एंड बैक, बैक में किक नासिक के ढोल पे धन धनादन, धन धनादन कैसे था? धन धनादन ऐसे शेक करो, धन धनादन नाचा जो, फिर आफ्टर दिस ये वाला। हाँ वेरी गुड, याद आपको। तो हमने लास्ट क्लास में यहां तक किया था, राइट? ओके, तो क्या एक बार हम फिर म्यूजिक कर सकते हैं? आई होप ज्यादा लोगों को याद है। तो एक बार हम इसको विद म्यूजिक करते हैं। पोजीशन ले लो सब लोग, मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूं। सागर विश्वकर्मा पोजीशन लो। रेडी हैं आप लोग? मैं म्यूजिक लगा रहा हूं। सागर पोजिशन, पोजिशन 5 6 7 गो, 1 2 5 6 7 डन, 5 back 2 3 4 एंड साइड वंस अगेन। अब मैं भी करूं? अब मेरे साथ करोगे आप लोग, है ना? मैं भी करता हूँ, है ना? हम सब एक साथ करते हैं। पोजीशन, एक सेकंड दोगे मुझे? हेलो, आप बस एक मिनट। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं सर। ओके, पोजीशन सॉरी वंस अगेन पोजीशन। Jump!
ये चीज आती है, सबको याद है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, वेरी गुड। तो इसके आगे फिर से म्यूजिक आता है 16 राउंड का, जिसमें टीटी दोबारा से बजती है। हम लोग दोबारा से उस स्टेप को करेंगे, क्रॉस सिटी क्रॉस सिटी क्रॉस सिटी क्रॉस सिटी। वो इस म्यूजिक का एक बार आपको म्यूजिक सुनाने करना होगा, ठीक है? ठीक है, फिर से वो चीज रिपीट होती है, कॉस वाला जो हमने किया है ना, इससे पहले म्यूजिक पे भी करते हैं, फिर से वो सेम म्यूजिक आता है एंड हम सेम म्यूजिक पे फिर से वही कर रहे हैं। ओके, क्रॉस एंड सिटी क्रॉस एंड सिटी क्रॉस सिटी फोर टाइम्स। ठीक है, आप दिस के बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर से लाइन आती है मेरे इशारे पे दिन ना दिन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे लुक। तो हमें क्या करना है सेकंड टाइम में, सेकंड टाइम में करना है पहले जा मेरे, ठीक है, फिर दर्द में इशारे पे दिन ना दिन ना चार जो तो कोड है 1 2 3 4। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे इस बार, इस बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको एक बार दिखाओ, मुझे एक बार दिखाओ, रेडी 5 6 5 6 and cross city cross city cross city cross city shabar and this mere ishaare pe tak din din jo hai leg wala bhi sikha hai tak din din na chha to and iske baad fir se same karenge printer pe printer ho gaya सुनना कि वो फिर से रिपीट होती है लाइंस, है ना? तो स्टेप्स भी फिर से रिपीट होंगे, लेकिन सिर्फ हमारा एक स्टेप चेंज हुआ है, मेरे इशारे पे, फिर हमें लेग आगे रख के शेक करना है, फिर साइड में, पहले हमें लेफ्ट में शेक, फिर राइट में, लेफ्ट में, फिर राइट में, बस ये चेंज हुआ है। इसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, ये सब बिल्कुल सेम है। ठीक है,
तो एक बार आप लोग पोजीशन लो, स्टार्टिंग से मुझे मतलब दूसरे जो फिर से रिपीट होता है वहां तक मैं देखना चाहता हूँ। सब लोग पोजीशन लो जल्दी, पोजीशन पोजीशन पोजीशन। रेडी विद म्यूजिक? ओके, फाइव सिक्स सेवन गो, वन। Come, come, walk. Walk back. Side, side, jump. Left, left, right, right, left, left, right, right, hand. Jump. Cross. City, cross, city, cross, city, cross, city, left. This is cross, like cross, city, cross, city, cross, city, cross, city, up. सब लोग अपने स्विमिंग क्लास में आओ। आई थिंक कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा, फिर से सेम थिंग रिपीट हुई है बस, और कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप चेंज हुआ है। मेरे इशारे पे जब सेकंड टाइम आता है तो हम करते हैं मेरे इशारे पे तक भी नहीं नाचा, बस ये 1 2 3 4 बस, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा सेम है जो हमने किया स्टार्टिंग से, राइट? हाँ, ओके, गुड। तो एक बार फिर से ट्राई करें, एक बार प्लीज ट्राई करो, पहले यहां तक क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, म्यूजिक Turn, 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 walk, walk, walk. Side, side, jump, left, left, right, right, left, left, right, right, arm. Left, 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 right, go. Cross, city, cross, city, cross, city, cross, city, arm, lift. Cross again, city, cross, city, cross, city, cross, city, arm. ओके, सब लोग आओ अपने कैमरा के पास पे आओ। मुझे मैसेज देखने हैं किसको, कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया, मैं एक मिनट, मेरे को मैसेज पढ़ने दो। आप लोग तब तक ब्रीद इन करो एंड ब्रीद आउट करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग। सर साउंड इज नॉट क्लियर। ओके, साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, राइट? साउंड की प्रॉब्लम हो रही है ना सर? वैसे अब साउंड ठीक है, वैसे आपकी अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक हो रही है साउंड। नेटवर्क इशू होता है तब थोड़ा सा जाता है। हाँ, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तब भी जाता है थोड़ा सा, क्योंकि सब लोग, ज्यादातर लोग हम मतलब जूम पे या फिर नेट यूज कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे यहाँ पे वाईफाई है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हो रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता इसके। ज्यादातर नहीं हो रही है सर। अच्छा, ओके, आ रहा है क्लियर। ओके, फिर तो ठीक है। कभी 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 हो रही होगी थोड़ी बहुत साइड नेटवर्क की वजह से जी। तो ज्यादातर बच्चों ने लिखा है साउंड क्लियर नहीं आ रहा, एंड बच्ची ने लिखा है सर डू यू से वन मोर टाइम। हाँ,
तो वो मैं कहता रहता हूँ बार बार कि एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा आई थिंक, है ना? कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है, वापस से हम वही सेम थिंग को रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है ना? तो हमने किया अभी तक, रेस्ट करो थोड़ा सा, मैं एक बार गाना सुनता हूँ आगे का। सारी दुनिया में एक ही फेमस है। ओके, तो अब अभी हमारी नेक्स्ट लाइन है, सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या फ्रेंड्स। हाँ, तो हमें क्या करना है इसको, आप लोग सिर्फ बैठो, मैं करूंगा एंड आप लोग देखो, ठीक है? तो आपको करना है, हमने लास्ट कहां पे खत्म किया, ये करके हमने लास्ट शायद यहाँ पे खत्म किया, राइट? तो फिर आएगा लाइन आती है सारी, तो आपको करना है सारी, वन हैंड अपने राइट हैंड को आउट, सारी दुनिया में एक ही फेमस है। तो आपको करना है वन टू, वन टू थ्री फोर, इतना करना है सिर्फ। तो आपको करना है राइट हैंड फिर लेफ्ट, एंड हमें अपने जहां हमारा हाथ जा रहा है हमें उस तरफ देखना है, ठीक है? अपने राइट में डायगोनल में देखना है, लेफ्ट में डायगोनल में देखना है। तो सारी दुनिया में एक ही फेमस है, ठीक है? फिर हमें करना है मुंबई हो या फ्रेंड्स, ठीक है? तो हमने किया वन, सब लोग देखो, हमने किया वन, फिर हमने किया टू, फिर हमने किया वन टू थ्री फोर, तो हमने किया सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या फ्रेंड्स। इसमें हमें क्या करना है, हमें डाउन होना है, पूजा ट्वेल्थ क्लास वाले चुटकी बजानी है, वन टू फिर चुटकी बजानी है, और हमें इसमें क्रॉस लेग वॉक करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। समझ में आया सबको? तो लुक, सारी, सारी में पहले राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेच करो, राइट हैंड को ओपन करो एंड राइट हैंड की तरफ देखो, सारी दुनिया में एक ही फेमस है, फिर मुंबई देखो, मुंबई हो या, इसके बाद क्या था, गुड, सो मुंबई हो या डाउन अप, डाउन अप, तो हमें दो बार नीचे डाउन जानी है एंड दो बार ऊपर। हाँ, ठीक है, एक बार इसको विद एक बार म्यूजिक पे ट्राई करो इसको, पूरा ही करते हैं, पूरा ही करते हैं, ब्रेक हो गया था ना, पूरा करते हैं यहाँ तक। ऋषि शर्मा, ओके, क्वेश्चन में एक ही फेमस है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, लुक
फाइव सिक्स सेवन गो, सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई को या फ्रेंड्स। ओके क्लियर हो, क्लियर हो, एक बार से करते हैं, फाइव सिक्स सेवन गो, सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई को या फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर, एक बार सिर्फ कितना पार्ट करेंगे म्यूजिक। अच्छा ऐसे एक बार आप जाओ म्यूजिक करो, एक बार रुक रुक करो, मुझे दिखाओ एक बार। ठीक है, फर्स्ट राइट हैंड सारी दुनिया में, लेफ्ट हैंड गुड, तो आपने किया सारी दुनिया में, फिर एक आपको अपने हाथ को जैसे करेंगे आदत ना, ऐसे बोलेंगे रहा, आपको दिखा एक ऐसे उंगली से, एक ही फेमस है फिर मुंबई, देखो मुंबई लुक, मुंबई हो या फ्रेंड्स, वेरी गुड, क्लियर क्लियर है यहां तक, गुड। सो वन मोर टाइम आज हम यहां तक करेंगे एक बार फिर से शब्द म्यूजिक, मैं ट्राई कर रहा हूं। तो एक बार आप लोग याद करो, एक बार आप लोग याद करो एंड फिर उसके बाद देखता हूँ, एंड किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक ब्रेक लेंगे एक मिनट का, और टाइम भी होने वाला है, जल्दी 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 है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। याद कर Thank you.
क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कुछ कुछ पूछना है? पूछो अभी हमारे पास अभी है हमारे पास 2-3 मिनट है, पूछो किसी को कुछ स्टेप अगर समझ नहीं आया तो। सर व्हाट इज द नेम? नेक्स्ट क्लास किसी ने पूछा है कब है नेक्स्ट क्लास? आप कल छोड़ के परसों है क्रॉस वाला, ओके लास्ट स्टेप क्रॉस वाला, ओके साउंड लो हो जाता है, गाना खत्म होता है, ओके सर लो लास्ट स्टेप, अच्छा ओके फ्रेंड्स स्टेप, ओके लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, ओके ओके स्टॉप राइटिंग, लिखो मत अभी मैं समझ गया एंड साउंड तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ नेटवर्क भी हो रहा है पता नहीं क्लास, ओके तो अभी हम लास्ट स्टेप एंड क्रॉस वाला स्टेप समझ नहीं आ रहा है, ठीक है तो मैं क्रॉस वाला स्टेप पहले करके दिखाता हूँ एंड फिर लास्ट वाला स्टेप करके दिखाऊंगा। लुक आपको क्रॉस करना है, आपका जो राइट लेग को क्रॉस करना है, ठीक है राइट लेग आगे रहेगा एंड क्रॉस करना है लेफ्ट लेग आपका पीछे रहेगा, बस एंड ओपन करके सी, ठीक है फिर क्रॉस कोई भी लेग आगे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कभी राइट भी आ सकता है कभी लेफ्ट भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस सीटी क्रॉस ओपन सीटी। तो आपको अभी सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्रॉस करो और सिर्फ ओपन करो, फिर से क्रॉस करो फिर ओपन करो, बस ये चीज करो हाँ। एंड आपको जैसे ही क्रॉस करके ओपन होते तो आपको सीटी बजानी है ओपन पे, ठीक है सो लुक 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 1 2 क्रॉस है एंड 3 4 सीटी है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ कि आपको क्रॉस करना है पहले 1 फिर 2 पे ओपन करना है एंड 3 पे सीटी पे जाएंगे 3 4 3 4 एंड इसमें आपको हल्का सा ठुमका लगाना है 3 4 एंड फिर से क्रॉस करना है 1 2 1 एंड 2 फिर 3 4 ठीक है। अब आया फ्रांस वाला, ये वाला स्टेप इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यहां से करते हैं इनको बताया था आपने किया राइट हैंड राइट हैंड की तरफ देखा डायगोनली लेफ्ट हैंड ठीक है सारी दुनिया में। अब आपको जैसे बॉलिंग कराते हैं ना कुछ फेंकते हैं वैसे फेंकना है 1 2 3 4 तो हमने करना है 1 2 1 2 3 4 फिर हमने देखना है फिर देखना है एंड इसके बाद हमें डाउन लुक राइट लेग आगे आया नीचे झुकी 1 2 3 4 हाँ उसमें ये भी कर सकते हो नीचे में आगे ऊपर नीचे डाउन एंड अप बस कुछ भी नहीं है सिंपल है आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा लोगों राइट। आगे करते 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 धीरे धीरे आ जाएगा धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे बार 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 सो आज हम यहीं तक करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में हमें इसे किसी भी तरह से फाइनल करना है पूरे गाने को खत्म कर देना है ठीक है थोड़ा सा ही बचा ज्यादा नहीं बचा तो हमें पूरे सॉन्ग को खत्म कर देना है एंड फिर इसके बाद में आपको सॉन्ग भी
शेयर कर दूंगा, ये मैंने एडिट किया हुआ है, ये वाले सॉन्ग को मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड आप लोग कभी भी अपने घर पे या फिर पार्टी में या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप लोग वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो क्लास कैसी लगी? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फैंटास्टिक क्लास, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू वेलकम दीपक सर। सो टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि थर्सडे को है। सी यू ऑल ऑन थर्सडे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आप लोग सब प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं आपके पास में नहीं हूँ, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में नहीं बता सकता, है ना? तो कोशिश करो मुझे कॉपी करने की एंड स्क्रीन पे देख के कि और लोग कैसे कर रहे हैं, राइट? तो वो सब थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करो, घर पे प्रैक्टिस करो जब भी टाइम मिले। हाँ सर, हमें वीडियो मिल सकता है क्या इसका? इसका वीडियो? हाँ। मेरे को शूट करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ कल अगर मैं वीडियो शूट कर पाऊँ तो। अगर मिल जाता है तो आई विल शेयर दैट थिंग, तो आपके एक्सप्रेशंस भी ये लोग थोड़ा क्लियरली पकड़ पाएंगे। एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं है, बस डांस आप अपने मस्ती के साथ करो। आप इतने मस्ती के साथ करते हो ना, वो फिर फील अलग आ जाता है। हाँ, जब भी आपको डांस करना है आपको अपना फेस एकदम सीरियस नहीं रखना है, आपको स्माइल करके, डिपेंड करता है अलग अलग डांस पे, लेकिन बॉलीवुड में आपको पूरा एकदम एंजॉय करना है, आपको स्माइल करना है, राइट? हमेशा स्माइल करना है, आप ऐसे सीरियस होके नहीं कर सकते डांस को। हाँ, तो स्माइल करना है, सीटी बजानी है, स्माइल करना है। लुक, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं गाने को एंजॉय करता हूँ एंड मैं स्माइल करता हूँ, मैं सीरियस नहीं रहता। आपको सीरियस नहीं होना है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे बस, लेकिन जब भी डांस करना है एंजॉय करना है, स्माइल करनी है बस। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि कल अगर मैं वीडियो बना दूं तो मैं शेयर कर दूंगा, देखो तो आप लोगों को शेयर कर देंगे। बच्चों के अच्छे अच्छे मैसेजेस आ गए, फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द नाइस। वेलकम वेलकम आप सबको, आई होप आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँच जाए जो चीज मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, विनय सर, बाय 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 एवरीवन, बाय बच्चों, बाय बाय सर, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, बाय। यस सर, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट दीपक सर एंड आई कैन सी सप्तक सर आल्सो हियर, सो दीपक जी एंड सप्तक जी बोथ द सर्स वेलकम यू फॉर द क्लास, थैंक यू सो मच सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, मैं कर देता हूँ। नहीं, आपको नहीं बोला प्रदीप सर, मैंने, मैं दीपक सर और सप्तक सर के लिए बोल रही थी। यू कैन बी इन द क्लास। यस, हेलो, हाय, हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो नमस्कार, ऐसे तो कर दीजिए कम से कम सब लोग। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। Hello, hi all. Hi Saptak. Hello. Okay, so let's begin with the class. कैसे हैं आप सभी बच्चे? You remember the signs good for thumbs up and is for नहीं समझ आया या you are not feeling good. Perfect, very good. Okay, so किसी ने practice की? Last class में जो हमने गाने किए थे, हमने वॉर मूवी का इतना अमेजिंग गाना था जय शिव शंकर, वो हमने किया था। उसमें मैंने आपको दो पैटर्न्स बताए थे, रिदम पैटर्न्स, हम उनको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं एंड फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर? बच्चों का थोड़ा सा फीडबैक ये आया है कि हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो अगर हम थोड़ा सा स्लो जा सके तो इट विल बी ग्रेट, थैंक यू। Yes, definitely, definitely. Okay, तो एक बार मैं फिर से दोबारा लास्ट क्लास का रिविजन करता हूँ एंड आगे हम स्लोली स्लोली चलेंगे, एंड इन केस अगर कभी भी कहीं भी किसी को ना समझ में आए तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, यू कैन ऑलवेज राइट द मैसेज एंड मैं सबको दोबारा से वो चीज समझा दूंगा। ओके, सो हम लोग एक बार गाना सुने, पर दोबारा से गाना सुनते हैं एंड फिर मैं आपको इसको दोबारा बताऊंगा। गाना सुनते मैं गाना प्ले करता हूँ।
तो हम लोग अभी इतना ही रिवाइज करते हैं। ये इतना पैटर्न जो फर्स्ट पैटर्न था मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, उसको ही रिवाइज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट वाज कि दोनों हाथों से हम बजाएंगे, लेफ्ट हैंड को एल, राइट हैंड को आर से हम डिनोट करेंगे। एंड उसके बाद उसमें दो पैटर्न्स हैं। सबसे पहला पैटर्न है सिंपल सिंपल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, अब इ लेफ्ट राइट करने में हमको बीट बनानी है। तो जो इस गाने में बीट है वो है 1 2 3 1 2, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, बीट है पहले लेफ्ट राइट फिर दोबारा लेफ्ट एंड फिर दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ आएंगे। तो इट विल बी लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड बोथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड बोथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड बोथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड बोथ। ये आया सभी को समझ में? ये आया सभी को समझ में? थोड़ा थोड़ा आया सबको समझ में? गुड, मैं दोबारा से बताता हूं। देखो, बहुत सिंपल पैटर्न है, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोथ, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2
तो गाने के साथ में ठीक है, एक बार गाने की स्पीड के साथ में करें, जो गाने का टेम्पो है उस टेम्पो में करें। चलो ये गाने की स्पीड में ऐसे होगा, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2
देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों हैंड्स अल्टरनेटिव चलेंगे, एक पॉइंट आएगा जब दोनों साथ में बजेंगे, तब जाके एक हम बीट बनाएंगे। ओके तो हैंड्स, हाँ अभी कार्तिक चौहान ने मैसेज किया अबाउट दी हैंड स्टाइल। ओके हैंड स्टाइल डिपेंड करता है कि आप क्या चीज बजा रहे हैं। अभी आप कोई भी रैंडम चीज जैसे कि टेबल या बकेट या स्टूल या कोई यूटेंसिल, कोई बर्तन या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं ये तबले का डग्गा होता है मैं वो बजा रहा हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन जितना हो सके आप इसको फ्लैट रख के अपने पाम से और फिंगर्स से ना मारे बल्कि पाम से बजाएं, ठीक है। एंड जो लास्ट में दोनों एक साथ आ रहे हैं उसमें हम फिंगर्स यूज कर सकते हैं, ये वाले पार्ट्स फिंगर्स के,
ओके। जो स्टार्टिंग वाला है वो हम पाम से बजाएंगे, पाम ये जो हथेली होती है इससे, और जो लास्ट में जब दोनों हाथ एक साथ बजेंगे तब हम उंगलियों से बजाएंगे, तो वो होगा, मैं स्लोली बजा के दिखाता हूँ। 1 2 3 इसको थोड़ा सा फास्टली करते हैं अब हम गाने की स्पीड में। गाने का टेम्पो है 1 2 3 go 1 2 3 क्लियर। अभी बच्चों को आया है समझ में? वेरी गुड। इसको सबके सब इसको मुझे प्रॉमिस करो कि ये आपका होमवर्क है, आप इसको सभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इस पैटर्न को भूलना नहीं है, इसको सब प्रैक्टिस करेंगे। इसी सेम पैटर्न में हम अगर कुछ चीजें और ऐड कर दें, अगर हम इसी सेम पैटर्न में कुछ चीजें और ऐड कर दें तो देखो ये डिफरेंट बीट बन जाती है। कैसे? इसको हम थोड़ा और भर देंगे। कैसे? कि जो 1 2 3 के जो बीच की जगह है उनको हम भर सकते हैं। जैसे 1 2 3 है, राइट? 1 2 3 1 2 ये जा रहा है। अब 1 और 2 के बीच में भी तो जगह है ना, अगर हम उसमें भी कुछ बजाएं तो वो फिर एक कंटिन्यूअस थोड़ा सा भरा हुआ पैटर्न हो जाता है, भरा हुआ बीट हो जाता है। तो हम उसको ट्राई करते हैं। वो कैसे होगा मैं स्लोली स्लोली समझाता हूं, लेफ्ट राइट करके। ओके, तो इट विल बी कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे पहले हमने बजाया था वो था 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। ओके, अब इसमें हम 1 2 और 3 के बीच में भी बजाएंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2
चीज होती है जिसको हम बोलते हैं साउंड की टोनल क्वालिटी, कि मतलब कितनी वॉल्यूम से हमें कितना बजाना है ताकि हम उसको फ्लैट ना साउंड करने दें, उसको एक रिदम की तरह सुने। तो अभी आप जो बजा रहे हो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ओके। तो इसमें तो आप सारी एनर्जी सारी चीजों में बराबर लगा रहे हो ओके। लेकिन अब इसको अगर हम बीट बनाएंगे तो हमें एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट लगाना पड़ेगा। कैसे देखो 1 2 4 5 6 7 8 1 2 1 2 4 5 6 7 8 1 2 तो मतलब 1 4 फिर 7 और 8 7 और 8 ओके। सो 1 4 7 7 और 8 ठीक है। इन काउंट्स पे हमें ज्यादा जोर से बजाना है, बातियों को हल्के बजाना है ठीक है। तो उससे वो एक बीट बन जाएगा, जैसे कि 1 4 7 एंड 8 इनको हम जोर से बजाएंगे और बाकी 2 3
फाइव एंड सिक्स, इनको हम धीरे बजाएंगे, ठीक है, तभी हम बीट एक बना सकते हैं, तभी हम एक उसका रिदम पैटर्न बना सकते हैं। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू। आपको बीट समझ आई ये वाली? आप देखो, जब आप खुद बजाओगे तो आपको खुद पता लगेगा कि हाँ, ये बजा करके एक बीट जैसा लग रहा है और मन कर रहा है इस पे डांस करने का। वरना अगर आप फ्लैट बजाओगे ना कि सारी जगह एक साथ, तो ऐसा लगेगा कौन पागल बजा रहा है, मजा नहीं आ रहा। तो इसको एक बीट की तरह बजाएंगे ताकि सुनने में भी मजा आए, घर में कोई और है तो उसको भी लगना चाहिए हाँ भाई अच्छा बजा रहे हैं एंड इस पे हम डांस कर, ठीक है। तो कौन कौन से काउंट्स है दोबारा रिवाइज करते हैं, वन फोर सेवन एंड एट, जिनपे हमें ज्यादा जोर से बजाना है, ठीक है। लेट्स डू इट वंस अगेन, एक बार दोबारा करते हैं, मेरे साथ में करेंगे सबके साथ, स्लोली स्लोली करेंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, okay, very good। अब इसमें आपको मैं एक और ट्रिक बताऊं। अब जैसे ये आप बजा रहे हो ना, इसको अगर आप मुंह से बोलोगे, जो ये काउंटिंग है बजा तो रहे हो, लेकिन साथ साथ अगर आप इसको मुंह से भी बोलोगे विद दैट सेम एनर्जी, जितनी एनर्जी हम बजाने में लगा रहे हैं, वन में ज्यादा है, फिर टू एंड थ्री में कम है, फिर फोर में ज्यादा है, फिर फाइव सिक्स में कम है, फिर सेवन और एट उन दोनों में ज्यादा है, राइट। तो ऐसे हम बोलने में भी उन बोल पे ज्यादा एनर्जी लगाएंगे ना, तो हमें खुद मजा आएगा और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। दोबारा से करें, चलो ready, one two three go, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, left right, right left right left right, one two, left right left right left right left right, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two। दोबारा करते हैं इसको, अभी हम लगातार एटलीस्ट 10 टाइम्स करेंगे सबके साथ, ठीक है, सेम स्पीड पे। चलो लेट्स डू इट, रेडी, वन टू थ्री स्टार्ट, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, bend both hands, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two, one two three four five six seven eight, one two। कितनी बार हुआ?
मैंने तो गिना नहीं, किसी ने गिना? 10 टाइम्स हो गया क्या? अच्छा किसी ने भी नहीं काउंट किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप जब घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तब इसको एटलीस्ट 20 टाइम्स प्ले करना, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो मैसेज कर सकते हैं, तो मुझे क्वेश्चन पता लग जाएगा क्या है। बहुत सिंपल ग्रूव है, बहुत सिंपल पैटर्न है, एंड इसमें अगर आप देखो दोनों हाथ एक साथ ही हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर हम मैं एक आपको रिदम का बेसिक सिस्टम बताता हूं, क्या होता है कि कुछ भी हम बजाएंगे बजाएंगे तो हाथों से ही है ना, चाहे हम स्टिक्स से लेकर के बजाएं या चम्मच लेके बजाएं, तो अगर हम कुछ भी बजाएं बजाएंगे तो हाथों से ही। तो लेफ्ट राइट ये दोनों से ही हम बजाते हैं। ठीक है, अब उसमें हम ग्रूव कैसे बनाते हैं, उसमें हम रिदम पैटर्न कैसे बनाते हैं? रिदम पैटर्न बनता है अलग अलग साउंड की वॉल्यूम से, अलग अलग जो हम पैटर्न बजा रहे हैं उसको अलग अलग वॉल्यूम में बजाने से। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट को आप दो बार एक साथ बजाते हैं, फिर राइट लेफ्ट राइट है तो राइट को दो बार एक साथ साथ में बजाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऑल्टरनेट ही चले, लेकिन मोस्टली 99% केसेस में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट यही होगा। बाकी जो चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी क्वेश्चन आया है एक कि इसका हैंड पैटर्न बताना है, रिदम पैटर्न बताना है। रिदम पैटर्न देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं फास्टली इसको बजा के दिखाऊंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। स्लोली में रिदम को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ज्यादा स्लो स्पीड में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं इसको फास्टली बताऊंगा तो आप जल्दी समझ पाओगे, लेकिन आप फास्टली मत बजाना। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि क्या है ये, सुनने में कैसा लगता है। देखो सुनने में ऐसा लगेगा ये 1 2 3 गो। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया था ना अनुभूति का, वो जो पेटीएम नंबर है। एक बार चेक कर लो, और पता नहीं कभी आ गया, एक भी कॉल नहीं आ गई। एक बार हाँ चलो ठीक है मैं आ गया। ओके ये आया समझ में आप सभी को? अभी फिर से अभी हम दोबारा इसको एक बार ये और स्लोली स्लोली जैसे हमने करा था, क्या था कि जो मेन काउंट्स हैं उनको बजाएंगे हथेली से पाम से, और जो एंड में दोनों हाथों में एक साथ बजेगा उनको बजाएंगे फिंगर्स से। ठीक है, काउंट्स जिन पे हमें ज्यादा जोर से बजाना है वो कौन कौन से थे? 1 4 7 and 8। कौन कौन से काउंट्स है जो दोनों हाथों से एक साथ बजाने हैं? 1 and 2। वेरी गुड, लेकिन 8 काउंट्स के बाद वाला 1 and 2 है ये। ठीक है गुड, दोबारा से करते हैं एक बार ही स्लोली स्लोली। ठीक है रेडी 1 2 3 स्टार्ट। लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
तो सेकंड पैटर्न था, इससे पहले वाला याद है कि भूल गए? वेरी गुड, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे बजा रहे हैं पहले वाला पैटर्न, वेरी गुड, शाबाश। चलो एक बार दोबारा से पहले वाला पैटर्न करते हैं। यस, वेरी गुड कार्तिक चौहान, हमने बताया 1 2 3 1 2, यस दैट इज द राइट पैटर्न। एक बार सब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम दोनों पैटर्न को एक साथ बजाएंगे। रेडी, 1 2 3 गो, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1
three. Next pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Very good, very good. अब तो सबको समझ में आ गया होगा. अब तो आप इतने आप इंटेलिजेंट हो, अब तो सब समझ गए हो. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. सब अपने लिए तालियां बजा लो. चलो आगे बढ़े. अच्छा मैं आपको एक जनरल एक्सरसाइज बताऊं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है और बहुत अच्छा रिदम पैटर्न भी है. उससे आपके हाथ इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप फास्टली भी बजा सकते हो और बहुत आराम से एफर्टलेसली बजा सकते हो. और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. सब करेंगे? चलो वेरी गुड. अभी मैं एक आपको एक्सरसाइज बताता हूं, ठीक है? रिदम एंड हैंड की एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के लिए. एल मतलब कि लेफ्ट हैंड एंड आर मतलब राइट हैंड. प्रैक्टिस है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. अब देखो प्रैक्टिस है लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट. एल आर एल एल आर एल आर आर मतलब कि 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट. यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया? मेरे साथ में सब इसको बजाएंगे एक बार, ठीक है? Ready? 1 2 3 go. Left, right, left, left. Right, left, right, right. Left, right, left, left. Right, left, right, right. Left, right, left, left. Right, left, right, right. Left, right, left, left. Right, left. थोड़ा तेज करेंगे, okay? Left, right, left, left. Right, left, right, right. Left, right, left, left. Right, left, right, right. L, R, L, L. R, L, R, R. 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 सब साथ में बोलो भी. सब साथ में अगर आप बोलते भी रहोगे तो आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा और ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये, ठीक है? दोबारा से सब साथ में इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एंड सब बोलेंगे भी. रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. एल आर एल आर एल आर आर एल आर एल एल आर एल आर आर एल आर एल एल आर एल आर आर एल आर एल एल थोड़ा सा समझ में आया सबको? गुड. देखो इसमें रिदम पैटर्न कैसे बनेगा. रिदम पैटर्न ऐसे बनेगा कि जब हम लेफ्ट हैंड से बजाएंगे तो फिर हम पाम से बजाएंगे, हथेली से, ठीक है? तो उससे ज्यादा बड़ी साउंड आएगी, ज्यादा लाउड साउंड आएगी. अगर हम हथेली से बजाएंगे तो ज्यादा लाउड साउंड आएगी. एंड जो राइट हम बजाएंगे वो हम फिंगर्स से बजाएंगे, ठीक है? उसमें हथेली नहीं यूज करेंगे, उसमें हम सिर्फ फिंगर्स से बजाएंगे. ओके? आरती बैरवा ने कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आया है. कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा से समझाऊंगा.
ठीक है, देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको, इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट वन, अगर लेफ्ट हैंड वन है और राइट हैंड टू है तो इसका काउंट जाएगा वन टू वन वन टू वन टू टू वन टू वन वन टू वन टू टू वन टू वन वन टू वन टू टू वन टू वन वन टू वन टू टू. ओके, अब हम इसका साउंड कैसे निकालेंगे इसमें और इसको बीट कैसे बनाएंगे वो देखिए. वो ऐसे है कि जब हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो हम हथेली यूज करेंगे ताकि ज्यादा लाउड साउंड आए. हथेली जब बजाएंगे तो लाउड साउंड चाहिए, लेकिन जब राइट हैंड यूज करेंगे तब हम फिंगर्स यूज करें ताकि कम साउंड आए. ओके, अब जब साउंड ज्यादा होगी फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी फिर कम होगी, तो एक वो रिदम पैटर्न बनेगा. ठीक है, अब देखो कैसा साउंड करेगा वो, एक बार सब ट्राई करेंगे मेरे साथ में. ठीक है, स्लोली स्लोली करते हैं. वन टू थ्री स्टार्ट. वन टू वन वन टू वन टू टू 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट right left right right left right left left right left right right left right left left right left right right left right left left right left right right l r l l r l r r l r l l r l r r. थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा. थोड़ा थोड़ा आया कि थोड़े से ज्यादा आया? थोड़े से ज्यादा आया. वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बच्चों. थोड़ा सा इसको फास्टली करें, थोड़ा स्पीड में करें इसको प्रैक्टिस. चलो सब एकदम फुल एनर्जी लेवल से और एकदम अच्छे से इसको हम दोबारा करते हैं. ठीक है, हथेली से लेफ्ट हैंड, फिंगर से राइट हैंड. पैटर्न क्या है? वन एल आर एल एल आर एल आर आर वन टू वन वन टू वन टू टू. चलो लेट्स डू इट. सब साथ में करेंगे, एकदम फुल एनर्जी जोश से करेंगे सबके साथ. रेडी? वन टू थ्री स्टार्ट. लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट left right left left right left right right l r l l r l r r l r l l r l r r l r l l r l r r l r l l r l r r l r l l. सब बोलते भी रहिए अपने आसपास. l l r l r r l r l l r l r r l r एक बार इसको स्लोली करेंगे. जिस जिसको नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा से समझ सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा स्लोली करते हैं. लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट right right left right left left right left right right left right left left right left right. thoda fast. left right left left right left right right left right left left right left right right left right left left right left right right left right left left right left right right. sab
साथ साथ बोलते भी रहे तो अच्छे से याद होगा. लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट. थोड़ा फास्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट. सुनने में लग रहा है एक रिदम की तरह. अब देखो सुनेंगे अगर इसको तो कैसा लगेगा. सबको समझ में? वेरी गुड. अच्छा किसी को भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो या कहीं नहीं समझ में आया हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो शाबाश. ये एक्सरसाइज जो है आप सब चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास कॉपी पेन में या कहीं भी. अगर रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लें, लिखना है तो लिख लें. कार्तिक जी का मैसेज है कि हाउ टू यूज हैंड्स इन तबला. देखिए हैंड्स इन तबला एक टोटली डिफरेंट टेक्निक है. मैं वो समझा सकता हूँ लेकिन आई थिंक अभी सब बच्चे तबला अगर आपके पास है तो मैं तबले पे आप मुझे अलग से कॉल कर सकते हैं, मैं उसमें आपको समझा दूंगा. अभी सब बच्चे यहाँ पे जिनके पास तबला नहीं है, मोस्टली बच्चों के पास तबला नहीं है तो मैं इसलिए अभी वो तबला वाली टेक्निक नहीं समझा रहा. बाकी तबला टेक्निक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. ये जो टेक्निक है, ये जो तरीके हैं, ये जनरल तरीके हैं जो कि आप मेजरली रिदम्स में यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जैसे कि जेम्बे हो गया, दरबुका हो गया, या फिर आप टेबल बजा रहे हैं या आप कोई भी चीज बजा रहे हैं. तो ये बेसिक मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ और बेसिक एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ. तबला टेक्निक वो टोटली डिफरेंट है तो वो मैं इसमें नहीं अभी बताऊंगा सबको, वो मैं अलग से आप मुझसे पूछ सकते हैं. जी ओके. सो किसी को डाउट्स नहीं है? That's very good. सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सब बॉर्नविटा पीते. Very good. Okay. तो एक बार स्टार्टिंग से अभी तक का रिविजन करें जो हमने आज किया क्लास में. हाँ स्टार्टिंग से रिविजन करते हैं. यार फर्स्ट वाली क्या थी मैं तो भूल गया, कोई याद तो दिला दो मुझे. मैं तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज भूल गया. हाँ वेरी गुड. 1 2 3 1 2. देखो सबको याद है. वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. शाबाश. स्टार्ट करते हैं.
धीरे धीरे से, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और हम इसको काफी ऊंची स्पीड तक लेके जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट वेरी स्लोली एंड फिर हम इसको बहुत आगे स्पीड तक ले जाएंगे. लेट्स बिगिन. 1 2 3 गो. 1 2 3 स्पीड में बजाओगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि ये एक बीट बन चुकी है. अब आप सब एंजॉय कर रहे हो इसको और देखना आसपास कोई डांस भी कर रहा होगा इसको. हाँ, दोबारा से करते हैं, इसी स्पीड से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. 1 2 3 सबने किया, बहुत अच्छे से बजाया, शाबाश. सेकंड एक्सरसाइज करें. सेकंड एक्सरसाइज क्या थी? सेकंड एक्सरसाइज बताइए. वेरी गुड. एंड किन किन पॉइंट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है? 1 4 7 8 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई, आप सबको याद हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. दोबारा से इसको करते हैं, ठीक है? स्लोली स्लोली करेंगे. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्पीड बढ़ाते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
चलो ठीक है, तो इसको आज हम थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, ठीक है, देखते कितना मजा आता है। लेकिन भूलना मत, सबको साथ में बोलना है, वरना कोई मजा नहीं है इसको करने का फास्टली। सब साथ में बोलेंगे, ठीक है, फिर मजा आएगा। चलो 1 2 3 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
फास्टली तो सब बजा रहे हैं स्पीड में, लेकिन डायनामिक्स कहाँ है? वो जो 1, 4, 7, 8 जिनको जोर से बजाना था वो तो सब खा गए, उसको जोर से बजाना है। और जोर से बजाने का मतलब ये भी है कि जो बाकी नंबर्स हैं उनको धीरे धीरे बजा लो तो वो ऑटोमेटिकली जोर से हो जाएंगे, है ना? ठीक है, क्या नंबर्स थे वो दोबारा याद करो, 1, 4, 7, 8 वेरी गुड। चलो दोबारा से करते हैं सेम स्पीड में, लेकिन 1, 4, 7, 8 पे सब जोर से बजाएंगे, चाहे तो जो बाकी नंबर्स हैं उनको धीरे धीरे बजा लेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फास्ट करना है? नो सर। ओके चलो ठीक है, ओके और फास्ट नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूर करूंगा ऑफ माय फास्ट, तो तब तक सब प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जरूर फास्ट करेंगे इसको, फिर तब तक सब प्रैक्टिस करें, ठीक है? चलो आगे बढ़े, थर्ड एक्सरसाइज याद कराओ मुझे, तब मालूम है कि आपने कुछ सीखा है आज। थर्ड एक्सरसाइज बताओ कौन सी है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ को तो याद है, बाकियों को भी याद है कि नहीं? मैसेज करो जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से लोगों का मैसेज आ गया, वेरी गुड, शाबाश, चलो याद है भाई, याद है, सबको याद है। चलो प्रैक्टिस करते हैं जो थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, स्लोली करेंगे। एंड मेन बात तो बताओ, लेफ्ट हैंड को किससे बजाना है, फिंगर्स से, फिंगर्स से बजाना है लेफ्ट हैंड को, नहीं हथेली से बजाना है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर राइट हैंड को किससे बजाएंगे, अच्छा उनको फिंगर्स से बजाना है, ओके ओके, हाँ आप सब मुझे याद दिला दिया करो, वेरी गुड, ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्लोली करेंगे सब के सब, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, एल आर एल एल आर एल आर आर एल आर एल एल आर एल आर आर, 1 2 1 समझ में आया ये वाला बच्चों? अब कितनी एक्सरसाइजेस हो गई आपके पास टोटल? 3, वेरी गुड, चलो शाबाश। अब सब मुझे प्रॉमिस करो कि इसको सब घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सब इसको करके लाएंगे ना, मैं आज फिर आगे नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ ये 3 आप और अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लो, और इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि नेक्स्ट क्लास में सर को ही फेल कर दो, ठीक है चलो ओके, ओवर टू दीपक सर, दीपक सर, यस थैंक यू सप्तक भाई, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बहुत अच्छी क्लास। अच्छा मुझे जानना था कि ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना बच्चों को लेफ्ट हैंड से शुरू करना है, वो राइट से भी कर सकते हैं ना? देखिए जो एक्सरसाइजेस हैं, स्पेशली थर्ड एक्सरसाइज लेफ्ट से ही होनी चाहिए, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड जो एक्सरसाइज है वो राइट से कर सकते हैं, अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई राइट हैंडेड है या कोई लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो राइट से भी शुरू कर सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। Okay. लेकिन जो थर्ड एक्सरसाइज पर्टिकुलरली हैंड्स की एक्सरसाइजेस है, तो उसको हम लेफ्ट से ही शुरू करेंगे जैसी वो एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो वो पता होना चाहिए क्योंकि कई बच्चे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कई राइट हैंडेड होते हैं, तो वो कंफ्यूजन में आए कि लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे, तो जैसे पहला वाला 1 2 3 1 2 तो उसमें राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आई होप सभी को बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था सुनने में,
वंडरफुल। तो आज ये इन्होंने आज सॉन्ग पे नहीं किया ज्यादा, तो नेक्स्ट टाइम आप इनको सॉन्ग पे भी कराओगे ना? हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम सॉन्ग पे भी कराऊंगा। अभी ये सब बच्चे ये वाली एक्सरसाइजेस घर से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ये सब रेडी रहेंगे एकदम सॉन्ग्स पे करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन था, कैन वी यूज एनी अदर थिंग लाइक अपार्ट फ्रॉम जो भी यूज कर रहे हैं, तो कुछ और चीजें यूज करने के साथ हम कुछ कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अभी तक तो हम लोग हैंड से करते आए हैं, अगर किसी को मन है, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, तो दे कैन यूज स्टिक्स, नॉर्मल स्टिक्स जो होती है, पेड़ की स्टिक्स होती है, वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो यूटेंसिल्स हैं जैसे कि चम्मच हो गए या फोक हो गए, क्योंकि हर चीज से साउंड निकलती है, हर चीज से हम लोग रिदम बना सकते हैं। तो जो मन में हो बच्चों के, वो यूज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। फिर जो पाम और फिंगर वाला था चेंजेस, वो कैसे हम लोग करेंगे? वो मैं रिस्पेक्टिवली बता दूंगा, उसमें टोनल डिफरेंस है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे वो क्या होता है कि साउंड का डिफरेंस हो जाता है, अदरवाइज बीट रिदम तो वही रहेगी। अब जैसे तबले पे बजा रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा फिंगर्स का पाम का काम ज्यादा होता है, और अगर हम कुछ स्टिक से बजा रहे हैं तो स्टिक से बेसिकली हमारी कलाई का ही ज्यादा यूज होगा। अब उसमें हम मान लो कॉर्नर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या टेबल पे मारेंगे तो अलग साउंड आएगी, बीच में मारेंगे तो अलग आएगी। जैसे हम थाप बीच में पाम मार रहे थे तो उसकी आवाज अलग थी, ऐसे ही हम वो बीच में मारेंगे तो कुछ अलग आवाज है, कॉर्नर पे मारेंगे या कोई और इंस्ट्रूमेंट पे मारेंगे तो आवाज कोई और आएगी। तो बेसिकली हमें अलग आवाज निकालने के लिए थोड़ा थाप पूरा हाथ मारना या फिंगर्स मारना, तो वो अलग अलग, जैसे तबले में ये बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, तो ये कुछ पैटर्न्स बताएंगे नेक्स्ट टाइम कि फिंगर्स के साथ अगर बजे तो कैसे बजता है, पूरा हाथ लगा के बजे तो कैसे बजता है। बहुत ही सुंदर आपको फिर सुनाई देगा, उसका पता लगेगा कि फिंगर्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, हाथ का डिफरेंस क्या है। ऐसे ही स्टिक में भी डिपेंड, आप बजा कहाँ रहे हो, है ना, तो वो टेबल पे बजा रहे हो तो उसके कॉर्नर पे बजाएंगे, ड्रम के कॉर्नर्स पे भी बजता है, सेंटर में भी बजता है, तो उसकी वजह से आवाज चेंज हो जाती है, पैटर्न्स डिफरेंट ऑफ साउंड निकालने के लिए। तो वो मेरे को तो था क्लियर, लेकिन मैं बच्चों के लिए पूछा था ये, तो बच्चों समझ में आया। तो अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के लिए, जो कि थर्सडे है ना, लेट्स एक्सप्लोर आवर किचन, या और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ नया नया लेके आओ। अब मैं तुम्हारे पटरी और डिब्बा देख के बोर हो गई हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट समथिंग इन योर हैंड, ठीक है? वेरी नाइस, हाँ बिल्कुल, कुछ ट्राई करना, कुछ अलग जगह पे आप नया चीजें उठा के लाओ आसपास से, है ना, चलो बाहर से लाओ तो प्लीज धो लेना, क्लीन कर लेना। लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं कि एक प्लेट और एक बाउल, ठीक है, कटोरी और प्लेट और दो चम्मच, इनसे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? ठीक है, एक प्लेट, एक कटोरी, दो चम्मच, समझ में आया? और जो जिस पे कर रहे थे वो भी, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट साउंड्स निकल सकती है, और जिस पर कर रहे वो भी साथ में रखना। तो वन स्पून, वन प्लेट, टू आपकी क्या बोलते हैं स्पून्स और या फोक, जो भी हो आपके घर पर, और आप जिस पर बजा रहे हो वो भी, और थोड़ा बड़ा लो, छोटे छोटे डिब्बे लोगे तो हाथ ही नहीं बैठ रहे हैं उस पर। बाल्टी उठा लाओ, कुछ भी उठा लाओ, हर चीज पे साउंड आएगी, ठीक है ना? बाल्टी को उल्टा रख लो हो जाएगा, मटके को उल्टा रख लो हो जाएगा, ठीक है? एक क्लास में हम लोग बाल्टी में भी ट्राई करेंगे, मैं आपको बाल्टी में भी डिफरेंट साउंड्स बताऊंगा एक क्लास में, ठीक है? तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सत्यक सर फॉर अमेजिंग क्लास। मैं भी वीडियो ऑफ करके मैं भी करने में लगी हुई थी। यू आर वेलकम। So, सभी बच्चों को एंड सब अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, वेरी गुड क्लास मैम, बहुत अच्छी पिकअप कर रही है अभी पार्टिसिपेंट्स, तो सेकंड क्लास में लाइक ओ लेट्स लेट एवरीबॉडी लीव एंड देन वी कैन स्पीक। यस Yes. So bye bye Deep Mangal. Bye guys. Thank you very much. Thank you so much, bachcha log.
आप लोग होप यू आर एंजॉयिंग, वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियोस. मुझे कुछ बच्चों के तो आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं. सो मेक अ लवली वीडियो, वट एवर यू आर फीलिंग. अगर तुम्हें बोरियत लग रही है तो वो भी बना के भेज सकते हो, दैट्स नॉट एन इश्यू. ठीक है ना, हमारे को सब तरह के फीडबैक चाहिए क्योंकि हमें उसको और बेहतर बनाना है. अभी अभी तो सेकेंड वीक चालू हुआ है यहाँ से, तो वी हैव मोर टू वीक्स एंड दिस वीक ऑल्सो, है ना. तो जैसा भी लग रहा है वैसा बता के भेजो हमें. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू वेरी मच गाइस.